तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन शिनचैन पिनचैन पोर्टल में एंटर करने की वजह से फंस चुके होते हैं एक दूसरे आइलैंड पर, जहां पर चॉप बच चुका होता है क्योंकि वो मजे से भाई लॉस सेंटोस में पड़ा होता है, लेकिन उसके पंगे हो जाते हैं गुंडों के संग, जिसकी वजह से वो गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी वो पहुंच जाता है उस पोर्टल के थ्रू फ्रैंकलिन के पास ही। लेकिन वो गुंडे भी चॉप के पीछे जंप लगाकर वो भी पहुंच जाते हैं उस पोर्टल के थ्रू उस आइलैंड पर, जहां पर वो तीन लोगों को चॉप समझ के मार डालते हैं। और उसके बाद फ्रैंकलिन की मुलाकात होती है उन तीन गुंडों से और फ्रैंकलिन उनको टपका देता है, लेकिन फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों की वजह से वहां के तीन चार लोगों की जान जा चुकी होती है, इसलिए वहां के लोग फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों को वहां से भगा देते हैं। देखते हैं आगे वहां से निकलने के बाद ये लोग कहां पहुंचेंगे, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तूफानों से घिरे हुए हैं हम लोग यार, बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है और समुद्र में इस वक्त समुद्री तूफान भी आ रहा है। और एक सेकेंड, अभी जब सामने की तरफ बिजली कड़की थी तो शायद कुछ चमका है यार। वैसे मैं बता दूं गाइस, हम लोग पिछले एक हफ्ते से ट्रैवल ही किए जा रहे हैं अपनी इस बोट को लेकर। लकीली हमारी बोट का अभी तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ है। और एक और चीज गाइस, भले ही फ्यूल खत्म नहीं हुआ लेकिन खाना जरूर खत्म हो गया यार हमारा। भाई साहब यार कल आप तो मेरा नाम मत लगाइयो भाई, चुप रहे। सबसे ज्यादा भाई तूने ही खाया है। तुम लोगों को याद होगा गाइस, लास्ट टाइम हम लोग उस वाले आइलैंड से चल पड़े थे भाई, चल क्या पड़े थे, वहां के लोगों ने हमें भगा दिया था चॉप की गलतियों की वजह से। भाई साहब देख तू फिर मेरा नाम लगा रहा है, भाई तेरी गलती है, तू मान चाहे मत मान। खैर जो भी हो गाइस, तो वहां से हम लोगों को भगा दिया था, तो हम लोग वहां से ये वाली गाड़ी और ये वाली बोट और इस पे कुछ संतरे वगैरह लेकर और कुछ और फ्रूट्स लेकर हम लोग निकल गए थे समुद्र के अंदर, ताकि हम लोग जल्द से जल्द पहुंच सके लॉस सेंटोस। तो तब से ही गाइस हम लोग अपनी बोट को भगाए जा रहे हैं और अभी तक एक हफ्ते बीत चुके हैं, बट अभी तक किसी भी आइलैंड पर हम लोग पहुंच ही नहीं पाए यार। हमें रास्ते में आइलैंड ही नहीं मिला कोई भी, इतने दिनों से सिर्फ ट्रैवल पे ट्रैवल किए जा रहे हैं हम लोग। अरे हाँ यार, एक आइलैंड भी नहीं मिला रास्ते में, छोटा मोटा आइलैंड भी। हाँ भाई लिटरली में एक छोटा मोटा आइलैंड या फिर कोई दूसरा शिप वगैरह कुछ नहीं मिला समुद्र में, बस हम लोग ट्रैवल किए जा रहे हैं। हमारा खाना भी खत्म हो गया है और अब जाकर फाइनली लकीली देखो ये जब बिजली कड़क रही है सामने की तरफ कुछ नजर आ रहा है, देख रहे हो तुम लोग ध्यान से, तो वहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी वहां पर कोई ना कोई आइलैंड है। तो अभी हम लोग फिलहाल उधर की साइड ही जा रहे हैं, जब जब बिजली कड़क रही है भाई तब तब देखना वहां पर सामने की तरफ छोटा सा ऐसा आइलैंड जैसा कुछ तो नजर आएगा। तो देखते हैं गाइस, लिटरली में वो सिर्फ एक अनजान आइलैंड ही है, अबैंडन आइलैंड है, या फिर कोई बंदा भी रहता है वहां पर, क्या पता कुछ लोग रहते हो, क्या पता वो अलग ही कोई देश बसा रखा हो वहां पर, who knows। तो अभी वहां पर जब हम लोग पहुंचेंगे तब पता चलेगा हम लोगों को। अभी तो फिलहाल हमारी जो बोट है एकदम मस्त स्पीड में चल रही है। ये एक तो तूफान ने आधा दिमाग खराब कर रखा है और आधा दिमाग खराब कर रखा है इस चॉप ने। अबे मैंने कहां से दिमाग खराब कर दिया बे? अबे सारा खाना खा गया यार तू, ये भी बदतमीजी की कोई हद होती है। बे बदतमीजी क्या बे, मेरे को भूख लगती है तो मैं क्या करूं। इसीलिए भाई ट्रिप पे भुक्कड़ फ्रेंड को ले ही नहीं जाना चाहिए। मैं तो गलती से फंस गया यार तुम लोगों के बीच। चुप हो जाए, उन गुंडों से पंगे लेने की क्या जरूरत थी, गुंडों से पंगे लिए खुद तो आ गया पोर्टल में फंस के इधर, और ऊपर से हमें जहां पर आइलैंड पे टिके हुए थे वहां से भी भगा दिया। फिलहाल तो गाइस सामने की तरफ वो जो टापू हमें इतनी देर से दिख रहा है उसकी तरफ हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे इस तूफान में यार बोट को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल चीज है, बट हम लोग काफी ज्यादा सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। देख रहे हो तुम लोग, अब धीरे धीरे वो आइलैंड नजर आने लग गया है। एक तो पता नहीं है मौसम कब साफ होगा यार, इतना तूफान जैसा मौसम हो रखा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या ही बताऊं मैं। वो देखो सामने खूबसूरत सा एक आइलैंड है, शहर है या फिर कोई दूसरी बोट है, आई डोंट नो, आइलैंड है। देख रहे हो भाई बिजली जब जब कड़क रही है वो कितना ज्यादा क्लियर दिख रहा है। भाई साहब कुल चल चल बे, फाइनली कुछ तगड़ी चीज मिली हम लोगों को, कहीं तो अब आराम करने को मिलेगा, कितने दिनों से समुद्र पे ही झूल रहे हैं। हाँ गाइस फाइनली यहाँ पर कम से कम 2 मिनट का आराम तो मिलेगा। चलो भाई बहुत बड़ी जगह ये, चलो चलते हैं अभी फटाफट से इधर से एंट्री ले लेके आइलैंड पे। अरे चलो चलो, इतना क्या सोच रहे हो, लेट्स गो। अबे यार बोट अटक गई, एक सेकंड, पानी आ रहा है, पानी के साथ पीछे लो बोट को और अभी आगे लो, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ आ गए भाई आइलैंड पर। ओ वेट, यहाँ पर आग जल रही है, कोई और भी है क्या यहाँ पर, पता नहीं गाइस। खैर जो भी हो भी पता करेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ से उतरते हैं। भाई यार कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं पानी के अंदर आज। ओके तो यहाँ पर भाई इस आइलैंड पर हम लोग पहुंच चुके हैं और सीधे भाई बोट को अंदर ही लेकर आ गए हम लोग आइलैंड के। वैसे काफी अजीबोगरीब जगह लग रही है, पेड़ कैसे टूट गया, हमने ही तोड़ा क्या? नहीं पहले से टूटा होगा भाई, हम क्यों तोड़ेंगे पेड़। क्या क्या है यहाँ पर आइलैंड पर, चलो आ जाओ भाई, उतर जाओ यहीं पर, अब रहना है कुछ दिन। अरे कितने दिन रहना है यार, पता नहीं, वो
तो खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, आ जाओ ना। अब आज सब कल ठीक है यार, उतरते हैं उतरते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? अरे काफी ज्यादा अकेलापन सा लग रहा है यार। हाँ अकेलापन तो लगेगा भाई, कोई भी नहीं है दूर तक, ना गाड़ियों की पी पी पोंपों कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इतने दिनों से भाई ट्रैवल कर रहे हैं ना समुद्र में, अब जाके जो हरियाली देखने को मिली है मन खुश सा हो गया यार, वरना इतने दिनों से सिर्फ लहरें बारिश तूफान आंधी यही सब देखने को मिल रहा था, बट अभी जाकर इतनी प्यारी हरियाली देखने को मिली है, मजा ही आ गया है। अरे हाँ यार, फाइनली पेड़ पौधे दिखे हैं यार, और ऊपर से अभी थोड़े चांसेस लग रहे हैं गाइस कि हम लोग शायद लॉस सैंटोस आगे फ्यूचर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखो भाई धीरे धीरे ट्रैवल करते 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 हम लोग एक आइलैंड तक तो फाइनली पहुंच ही गए। और एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की यार, यहाँ पर आग जल रही है। अब आइलैंड पे अपने आप तो आग जलेगी नहीं, मान लो कहीं आग लगी होती तो कोई चांस भी होता कि भाई पेड़ वेड़ टकरा के आग लग गई होगी, बट ये देख रहे हो तुम लोग प्रॉपरली लकड़ियों को काट के आग जलाई गई है, बॉन फायर जलाया गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब तो है गाइस यहाँ पर कोई ना कोई बंदा होगा जिसने ये आग जलाई है। बाकी अभी इस आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। अरे भूख लगी है यार काफी ज्यादा। अरे भूख का जुगाड़ करता हूँ यार मैं, बाकी अभी रुक जाओ आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। खाने पीने के पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पर, फल वगैरह के पेड़ होंगे जरूर। भूख तो वैसे गाइस मुझे भी लगी है, जरा इस टापू पे ढूंढते हैं कुछ खाने लायक मिल जाएगा क्या। उम्मीद तो वैसे कम लग रही है क्योंकि काफी ज्यादा स्मॉल आइलैंड है भाई लिटरली में, ये यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ही खाने लायक भाई, इतना बड़ा मतलब बड़ा तो नहीं है लेकिन टापू ही है, इतनी हरियाली है कुछ ना कुछ तो होगा यार। एक तो ये बारिश जो रखी है ना भाई उससे और ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा है भाई। शिंजन बिंजन थोड़ा बारिश को रुक जाने दो यार, तभी मैं जाऊँगा थोड़ा खाना वाना ढूंढने के लिए। अरे बारिश मान लो रुकी नहीं तो? अबे ऐसे कैसे नहीं रुकेगी भाई, रुक जाएगी भाई थोड़ी देर बाद बारिश। अरे तुम्हें कैसे पता? लग रहा है, पता नहीं भाई, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक एक काम करते हैं, जो यहाँ पर था उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे तुम्हें पक्का पता है यहाँ पर कोई ना कोई था? अरे हाँ भाई पक्का, 100% गारंटी के साथ, ऐसी थोड़ा यहाँ पर आग लग सकती है, पर पक्का कोई ना कोई तो होगा गाइस। बाकी वेट करते हैं, अभी तो देखो भाई बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, इस आइलैंड पर कोई होगा भी तो इतनी ज्यादा बिजली की आवाजों के बीच पता भी नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर चिल्लाना शुरू करेंगे आइलैंड पर, घूमना शुरू करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे, खाने के जुगाड़ में लगेंगे। तो अभी थोड़ा सा बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, तब तक तुम लोग जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, और अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो यार। हाँ गाइस अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इंतजार करते हैं बारिश के रुकने का। तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है और काफी ज्यादा देर के बाद फाइनली बारिश रुक चुकी है और एकदम धूप वाला मौसम हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है यार इतना खूबसूरत मौसम देख के। लगभग 1-1.5 घंटे हुई होगी बारिश ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद रुक गई है यार। तो काफी अच्छा लग रहा है यार बारिश रुकने के बाद। तुम लोग एक बार मौसम देखो, कैसे काले काले से बादल छा रखे थे, हर तरफ बिजली कड़क रही थी, बट अभी देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और जिस टापू पे से हम लोगों को भगाया गया था गाइस, वहां पर तो जब देखो धुंध ही धुंध, फॉग ही फॉग, ऐसा सीन था, बट इस वाले आइलैंड पर एवरीथिंग क्लियर, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, चारों तरफ देखो भाई दूर दूर तक और कोई दूसरा आइलैंड नहीं है, और कितना प्यारा लग रहा है यार, वेदर बढ़िया हो गया। अभी तो अभी ढूंढते हैं खाना, क्योंकि अभी इजिली मिल जाएगा अगर फूड वगैरह कुछ होगा तो इस आइलैंड पर। वैसे पूरा आइलैंड गीला हो रखा है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है यार यहाँ पे। खैर बारिश का पानी तो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद, और देखो भाई सूखने भी लग गया पानी। अरे यार तुम जाओ ढूंढने, हम लोग तो काफी ज्यादा थक गए, हम लोग यहीं पर रहेंगे। ठीक है मत आओ, मेरे को क्या है। वैसे यहाँ पर ओ वेट, एक गद्दा भी है भाई, अब जंगल में गद्दा कौन बना सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई रहता होगा शायद से, जब हम लोग आए गए उससे पहले इस जगह को छोड़ के गया है वो बंदा, तभी तो जब हम लोग आए थे तो ये आग जल रही थी और अभी भी जल रही है। पक्का हो ना हो गाइज, यहाँ पर जो बंदा रहता था वो अभी हाल फिलहाल में ही गया होगा यहाँ से डेफिनेटली। पता नहीं कौन था यहाँ पर जो रह रहा था। ये देखो यहाँ पर एक नाव भी पड़ी हुई है भाई, काफी बंदे वो आए होंगे शायद, मुझे लग रहा है। ये देखो यहाँ पर एक पेपर भी पड़ा हुआ है,
पेपर ही पत्थर है। पेपर है भाई पेपर। इसका मतलब गाइस होना हो एक बंदा आया था भाई, मैं गारंटी के साथ अब तो कह सकता हूँ। और वो चला गया, पता नहीं कब गया, हाल फिलहाल में ही गया होगा, तभी आग जल रही थी। और उसका मैट्रेस भी है, उसने जो ये झोपड़ी सी बनाई है वो भी है, देख रहे हो तुम लोग ये कितना ज्यादा प्यारा उसने मेहनत करके बनाया होगा भाई। लकड़ी वकड़ी काट के आई है, ये जो लकड़ी काटी है उसी ने काटी होगी, उससे उसने अपने लिए वो झोपड़पट्टी सी भी बना ली और ये भी बना लिया, क्या कहते हैं ये आग जलाने के लिए बॉनफायर। ये काफी ज्यादा क्यूट है यार। बारिश वारिश हो रही थी तो हमें यहीं रुकना चाहिए था, वैसे बारिश इसके अंदर आ रही थी शायद, पर जो भी है गाइस बढ़िया है यार। ऐसी ऐसी चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है यार अपने लॉस सेंटोस में। वैसे ये लॉस सेंटोस नहीं है, ये दूसरा आइलैंड है पता नहीं कौन सा, लेकिन फिर भी यार ऐसी चीज मैंने उन्हें GTA 5 में फर्स्ट टाइम देखी है। बहुत प्यारी लग रही है। ओ भाई घासों वाला मेंशन, बताओ यार हम लोगों के कितने बड़े बड़े घर रह चुके हैं लॉस सेंटोस में, और बताओ आज ऐसा दिन आ गया है कि घासों वाले घर में रहना पड़ रहा है। खैर वेट ओ वेट 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 वेट, ये देखो भाई यहाँ पर एक बक्सा सा है और बक्से के अंदर ये देखो भाई एक एक्स है, एक उसके अलावा एक पैरांग है, इसके अलावा एक फ्लेयर गन है और ये कुछ क्लकिन बेल के बर्गर है वो? नहीं नहीं भाई ये क्लकिन बेल के खाली डब्बे हैं। पता नहीं भाई यहाँ पर जो आया था वो बंदा कहाँ से आया था, क्योंकि क्लकिन बेल जो है वो लॉस सेंटोस में ही मिलती है, आई डोंट नो। बाकी अभी खाना ढूंढते हैं, बारिश रुक चुकी है, पूरा आइलैंड सूख भी चुका है, देख रहे हो तुम लोग कितना गीला हो रखा था और अभी पूरा सूख गया है। तो अभी जल्दी से फूड की तलाश में निकलते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं खाना। वैसे कोई फलों का पेड़ नजर तो नहीं आ रहा है, हाँ वहां पर डेफिनेटली एक नारियल का पेड़ है, बट उतनी ऊंचाई पे जाएगा कौन, उतनी ऊंचाई पे चढ़ कौन सकता है। इधर ढूंढते हैं, मे भी मिल जाए कुछ तो खाने का मिल ही जाएगा इधर। हेलो भाई कोई पेड़ वेड़ है? इतना बड़ा आइलैंड है और एक ढंग का फ्रूट का ट्री नहीं है। अबे यार ये कैसी दलदल सी जमीन है। आगे चलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं यार, बहुत बड़े बड़े। आगे चलते हैं, एक सेकंड अटक गया यहाँ, कहाँ अटक गया मैं? अरे फिर से दलदल में फंस गया। क्या दलदल जैसा इलाका है यार, निकलने दो भाई मेरे को यहाँ से। ओके निकल गया, ये पत्थरों पे ही जाना ठीक रहेगा यार, मैंने ये दलदल वाले इलाके में तो मैं बार बार अटक जाता हूँ। चलो अभी आगे चलते हैं। भाई फ्रूट ट्री नहीं मिल रहा मेरे को, मुझे नहीं लगता भाई शिंजन मिंजन कुछ जुगाड़ हो पाएगा खाने का। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बहुत तेज भूख लगी और कह रहे हो खाने का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। हाँ भाई जो सच है मैं तो वही बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता यार इधर देख के जुगाड़ हो पाएगा, क्योंकि एक भी फ्रूट ट्री नहीं है, सारे नॉर्मल ऐसे बंजर से पेड़ है, किसी पे भी फल वगैरह नजर तो नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं गाइस कैसे होगा खाने का जुगाड़, घास वगैरह उग रखी है, इतनी हरियाली है पूरे के पूरे आइलैंड पर, बट खाने के लिए एक 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 चीज भी नहीं दिखी है, एक चीज खाने की। लिटरली मैं यार मैं पूरे आइलैंड के चक्कर पूरा करने वाला हूँ, बट एक चीज भी अभी तक खाने की नजर नहीं आई है। ये छोटा सा एक नारियल का पेड़ है जिसपे नारियल भी नहीं है। आगे कुछ है क्या? अरे भाई इस आइलैंड पे कुछ है क्या? अरे जो भी रह के गया है भाई कोई है? पता नहीं यार कौन, एक तो पहली बात रह के गया है यहाँ पर, दूसरी चीज जो भी रह के गया है वो खाता क्या था पता नहीं। इधर ढूंढते हैं, रुको रुको रुको, इधर कुछ है क्या? कुछ तो होगा यार खाने के लिए, इतनी हरियाली वाली जगह है, कुछ ना कुछ तो मिलना जरूरी है। एक सेकेंड, वेट वेट वेट, नहीं इधर नहीं है कुछ भी। अरे यार मैं कितने चक्कर मारूं इस आइलैंड के, कब से चक्कर पे चक्कर। वेट, पाइनएप्पल यहाँ पर कहाँ से? पाइनएप्पल का पेड़ है क्या यहाँ पे? लेकिन एक सेकेंड, पाइनएप्पल का पेड़ थोड़ी ना होता है, क्या होता है पाइनएप्पल का? रुको 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 रुको, पाइनएप्पल जो होता है गाइज अगर तुम लोगों को पता होगा तो शायद जमीन पे उगता है। हाँ हाँ भाई ये पाइनएप्पल, ये पक्का। लेट्स गो, फटाफट से पाइनएप्पल लेकर चलते हैं। अभी तो फिलहाल चार तोड़ लेते हैं, बहुत सारे इधर, बहुत सारे तो नहीं, कितने हैं इधर? सात आठ हैं, सात है शायद। चलो चार लेकर चलते हैं, कम से कम एक एक पाइनएप्पल खाए पेट तो भरेगा थोड़ा सा। लेकर चलते हैं, देख रहे हो भाई पाइनएप्पल। अरे पाइनएप्पल का पेड़ कैसा होता है यार? पेड़ नहीं होता पाइनएप्पल का। अरे तो क्या होता है यार? जमीन पे निकलता है पाइनएप्पल। और अबे खाओ ना, तुम्हें खाने से मतलब है, उसकी खेती करनी है। अरे खेती उगा लेंगे यार। उगा तो लोगे, पहले मेरे को इधर देखने दो, इस बक्से में ऐसा कुछ है जिससे हम लोग किसी से हेल्प मांग सकते हैं? उस पैरांग से तो कुछ नहीं होने वाला यार।
इस एग से हम लोग लकड़ी काट के वापस आग जला सकते हैं, लेकिन ठंड का मौसम होता है तब आग जलाने का कुछ फायदा होता ना भाई, गर्मी के मौसम में कौन आग जलाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फ्लेयर गन भी है, फ्लेयर गन का यूज कर सकते हैं हम लोग, कोई अगर प्लेन जा रहा हो आजू बाजू से या फिर कोई शिप जा रही हो तो उसके तक सिग्नल भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक ना कोई प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा है और ना ही मुझे कोई शिप जाती हुई नजर आ रही है। पता नहीं भाई क्या ये होने वाला है यार, क्या करें हम लोग इस टापू पे रह के। एक सेकंड, वो अपने संग में जीप भी लाया ना, जरा जीप को निकालते हैं, ट्राई करते हैं इस टापू पे चलाने का, देखते हैं गाइस टापू पे, इस हरे भरे टापू पे ये जीप चल पाती है कि नहीं। चलो बैठते हैं इसके अंदर, अरे बैठ जा। ओके ओके ओके, कम ऑन, बहुत बढ़िया। अरे भाई निकाल ली जीप तो निकाली। अरे भाई तितलियां कितनी है इधर, देख रहे हो तुम लोग। वैसे गाइस तुम लोगों ने यार हमारे नए वाले चैनल की नई वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने खेला एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा गेम अमांडर द एडवेंचरर, जो कि बहुत ही बेहतरीन गेम है भाई। तो अगर तुम लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी साइलेंट पर इस गाड़ी को चला पाना भाई इजी तो नहीं है, डेफिनेटली मुश्किल है, बट मजा आ रहा है भाई। ये भी भाई एक अलग ही लेवल की एडवेंचर वाली चीज है, देख रहे हो तुम लोग। ऐसे हम लोग लॉस सैंटोस में पड़े रहते हैं और फालतू की चीजें करते रहते हैं, गाड़ियां चुराते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, पुलिस वगैरह के चंगुल में फंसते रहते हैं, फिर लेस्टर हमें आके कोई नया टास्क दे देता है, एवेंजर्स के साथ पंगे हो जाते हैं। बट अभी हम लोग उस पोर्टल के थ्रू अलग जगह पर फंस चुके हैं, तो इसमें भी एक एडवेंचर है, इसमें भी एक फन है गाइस, कि किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पर, किस तरीके से सारी चीजें निकलती हैं, तो इसमें भी मजा आ रहा है। बाकी अभी बताओ यार, कभी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग किसी एक अबैंडन्ड आइलैंड पर एक ऑफ रोड जीप चला रहे होंगे, वो भी अपनी बोट, अपनी खुद की एक बोट ले जाकर, बताओ यार। लेकिन हम लोग कर रहे हैं ये चीज, कितनी ज्यादा यूनिक चीज है, तुम लोगों को मजा आ रहा होगा। इस वीडियो को जाकर लाइक करो, अरे आकर पाइनएप्पल ठूस लो यार अपना, वरना हम लोग ठूस जाएंगे। ओए नहीं बे, आ रहा हूं मैं, मेरा पाइनएप्पल हाथ मत लगा लेना तुम लोग, जल्दी से आ जाओ, खा लो जल्दी से। आया आया आया। वैसे ये जो आइलैंड है गाइस काफी ज्यादा छोटा है, मैंने सच में भाई इतना छोटा आइलैंड कभी नहीं देखा है। हाँ हमारे लॉस सैंटोस के पास जो है छोटे छोटे आइलैंड, उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी यार काफी ज्यादा स्मॉल आइलैंड है। और मैं इस ऑफ रोडिंग जीप को पानी के अंदर ना गिरा दूं भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। खैर जो भी हो, टकरिए ये जीप इधर उधर, और इसको चलाने में फुल एकदम मजे आ रहे हैं। हेलो कोई है? अरे भाई वो झोपड़ी किसने बनाई है, घास वाली, कोई बताएगा मेरे को? हेलो हेलो, यहाँ पर सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? रुक जाओ, उस वाले पेड़ पे चढ़ता हूँ मैं। पेड़ पे चढ़ने में तो मैं बहुत ज्यादा बड़े वाला एक्सपर्ट हूँ, काफी ज्यादा बड़ा पेड़ है लेकिन चौड़ा पेड़ है, ऊंचा नहीं है। ये वाला भी पेड़ ठीक ठाक है, ये वाला ज्यादा ऊंचा लग रहा है यार, ये वाला, इस पे चढ़ जाए क्या? लेट्स गो गाइस, ट्राई करते हैं इस पे चढ़ने का। ओए पहुंच गया, ओए पहुंच गया भाई, इस पेड़ के ऊपर पहुंच गया हूँ मैं, और बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं इस पेड़ के। वैसे इससे भी ऊंचा वो वाला पेड़ है यार, उस पे ट्राई करना चाहिए था। हाँ उस पे चलते हैं जरा, लेट्स गो, पहले तो यहाँ से नीचे ही चलते हैं। अरे 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 भाई साहब लग गई। हाँ तो ये वाला पेड़ उससे भी ऊंचा है गाइस, इस पे ट्राई करते हैं चढ़ने का, लेट्स गो। अरे यार तुम तो सच में पेड़ चढ़ने में एक्सपर्ट हो बिल्कुल। हाँ आई नो भाई, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ने का कुछ फायदा नहीं हुआ यार। दूर तक देखो कुछ भी नजर आ रहा है, शायद उधर कुछ है, मे बी चलना जी हमें इस डायरेक्शन में। वो कुछ दिख रहा है क्या? कोई शिप वगैरह लग रही है मेरे को, आई डोंट नो गाइस शिप है कि क्या है, बट अभी फिलहाल इधर तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, उस डायरेक्शन में मे बी वो शिप है कोई। बाकी आइलैंड देख सकते हो, ये इतना बड़ा है आइलैंड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं कह नहीं रहा भाई, यहाँ पर बस हरियाली भर भर के है, आइलैंड उतना कुछ खास बड़ा नहीं है। बाकी ठीक ही ठाक आइलैंड है, अपना खाने पीने का जुगाड़ हो गया, अभी चार पाइनएप्पल और है। आई गेस गाइस अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि भाई जितना टाइम हम लोग यहाँ पर वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा हम लोग लॉस सैंटोस पहुंचने में लेट होते रहेंगे। तो हम लोगों को गाइस अभी खाना पीना खा लिया है, वो जो बाकी तीन चार पाइनएप्पल बचे हुए हैं उसे अपनी शिप में रखते हैं, और फिर अपनी जीप को भी अपनी शिप में रखते हैं, और फिर लेकर निकलते हैं। क्यों भाई शिनजैन बिनजैन? अरे अभी लेकर निकलना पड़ेगा क्या? हाँ भाई अभी निकलेंगे, तभी तो जल्द से जल्द हम लोग पहुंचेंगे लॉस सैंटोस। अरे ठीक है यार फिर चलो। यहाँ तक पहुंचने में गाइस हमें पूरे 7 दिन का सफर लगा है, अब आगे जाने में पता नहीं कितने दिन का टाइम लगेगा, अगला आइलैंड हमें कब मिलेगा, अगला आइलैंड क्या पता हमारी किस्मत अच्छी रही तो लॉस सैंटोस ही मिल जाए, हू नोस। बट जो भी हो गाइस अभी फटाफट से नीचे चलता हूँ सबसे पहले तो मैं। ओके आराम से, और ये पैराशूट भी ओपन हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, और नीचे भी आ चुका हूँ मैं, अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। खाने पीने का जुगाड़ हो ही गया, अपने सबने खाई पी लिया है, अब इसको रखते हैं पहले तो अपनी बोट पे,
और फिर यहाँ से निकलते हैं अभी बाहर, और फिर यहाँ से निकलते हैं अभी शिप को लेकर लॉस सैंटोस। आ जाओ भाई बैठो, जल्दी जल्दी बैठो यार। अरे पाइनएप्पल तो रख लो यार। अब वो मैं रख लूंगा, पहले बैठो जल्दी से। अरे चलो यार हम लोग तो बैठ गए। ठीक है ठीक है। ये पेड़ कैसे टूट गया भाई? अरे छोड़ो ना यार, पेड़ कैसे भी टूटा हो तुम जल्दी से बैठो। एक सेकंड, पाइनएप्पल्स तो लेकर आ जाऊं। पाइनएप्पल कहाँ देखे थे मैंने, जल्दी से पाइनएप्पल लेकर आता हूँ। चलो भाई पाइनएप्पल्स भी रख दिए हैं मैंने अभी अपनी शिप के अंदर। अभी शिप को बस लेकर चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन, आराम से आराम से। ओ वेट 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 वेट, मैं एक चीज सोच रहा था। अरे क्या है यार? जो भी मुझे यहाँ पर चीजें दिखी थी उस झोपड़ी के अंदर ले लूँ क्या? अरे ले लो क्या पता आगे काम आ जाए। वही तो, वहाँ पर मुझे एक कुल्हाड़ी दिखी थी गाइस, एक पेरांग दिखा था और एक अपनी फ्लेयर गन है। तीनों चीजें ले लेता हूँ मैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों चीजें ले लिया भाई, डेफिनेटली आगे काम आने वाली है। डेफिनेटली ये एक्स, क्योंकि भाई पेड़ वगैरह कहीं काटने पड़े किसी और आइलैंड पे, मान लो हम लोग पहुंच गए तो वहाँ ये एक्स अपने काम जरूर आएगी। अभी तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से भी। लेट्स गो शिनचैन मिनचैन, रेडी हो तुम लोग? अरे बिल्कुल रेडी है यार, तुम लोग भी रेडी हो जाओ गाइस एक और नए एडवेंचर के लिए। अब पता नहीं हम लोग नेक्स्ट अब कहाँ पहुंचेंगे, कितने दिनों के एडवेंचर के बाद पहुंचेंगे, और जहाँ पर भी पहुंचे गाइस मजा जरूर आएगा। फिलहाल तो तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कर देना गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी हमारे नए वाले चैनल की नई वीडियो चुकी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो तुम लोग। बाकी फिर से जो ये मौसम है, फॉगी हो चुका है, और वेट सामने कोई आइलैंड है। अरे हाँ यार मुझे भी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं हम लोग लॉस सैंटोस के काफी करीब तो नहीं? अरे हो सकता है यार। लेट्स गो गाइस, मुझे लग रहा है हम लोग शायद लॉस सैंटोस पहुंचने वाले हैं। अरे तो भगाओ यार फिर बोट को फुल स्पीड में। लेट्स गो, लगता है भाई फाइनली हम लोग लॉस सैंटोस पहुंचने वाले हैं। अरे फिर तो चलो यार मजे आ गए। ओए लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो।